इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए 50,000 से ज़ायद अफराद की जासूसी का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने इंकशाफ किया है कि इसराइली सॉफ्टवेयर से 50,000 से ज़ायद अफराद की जासूसी की गई, जिनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से है। ये सॉफ्टवेयर दूसरे लोगों के मोबाइल में दाखिल होकर इनकी जासूसी और कॉल रिकॉर्ड्स करता है। अब इसके बाद एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया है। इस सॉफ्टवेयर से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जासूसी भी की गई है और ये उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले की बात है। ये हैकिंग नवाज शरीफ के दौर में की गई, जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे। इससे ये पता चलता है कि इसराइली पाकिस्तानी शख्सियात की भी जासूसी कर रहा है। जबकि इसमें एक खबर ये भी खुलकर सामने आई है कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए मोदी ने अपने सहाफ़ियों पर भी नज़र रखी थी, क्योंकि इसराइल ने भारत को भी ये सॉफ्टवेयर फ्राहम किया हुआ है। अब पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान में अहम शख्सियात को हैकिंग से महफूज रखने के लिए अहम इकदाम किए जाएं, ताकि आगे से कोई भी मुल्क पाकिस्तान में मुदाखलत ना कर पाए।